यार आज बात करते हैं कि वो टॉप 6 कौन सी लैंग्वेजेस है जो तुम इस साल 2023 में सीख सकते हो। टेक्नोलॉजी का लैंडस्केप हमेशा इवॉल्व होता रहता है, चेंज होते रहता है, तो लैंग्वेजेस भी ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन इस साल की टॉप 6 लैंग्वेजेस ये रही। गोलैंग और गो। गो का एडॉप्शन बहुत बढ़ गया है, स्पेशली बैकएंड सिस्टम्स में। आज के टाइम पे ये ऊबर में, नेटफ्लिक्स में, ड्रॉपबॉक्स में, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज में यूज़ हो रहा है। मैं यहाँ भी देखता हूँ, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स गोलैंग यूज़ कर रहे हैं अपने बैकएंड के लिए, अपने ऑटोमेशन के लिए, क्लाउड के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो गो का एडॉप्शन जो बढ़ता जा रहा है, ये इसलिए भी है क्योंकि ये बिगिनर फ्रेंडली है। गूगल ने बहुत ध्यान से इस लैंग्वेज को डिज़ाइन किया है, इसको पढ़ना लिखना सीखना बहुत आसान है। तो इस वीडियो में मैं हर लैंग्वेज को 3 चीज़ों पे रेटिंग दूंगा आउट ऑफ 5। पहला, वो कितना बिगिनर फ्रेंडली है ताकि आप सीख सको। दूसरा, कम्युनिटी सपोर्ट कैसा है, क्योंकि सपोर्ट होगा तभी आप कहीं अटकोगे तो आपको उठाया जाएगा और बोला जाएगा चलो आगे बढ़ो, कोई बात नहीं। और तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री अडॉप्शन, क्योंकि इंडस्ट्री अगर अडॉप्ट करेगी तभी उसके लिए जॉब्स बढ़ेंगे। गो का कम्युनिटी सपोर्ट है 4 out of 5, काफ़ी अच्छी कम्युनिटी है। और तीसरा, गो का इंडस्ट्री अडॉप्शन भी बढ़ता जा रहा है तो उसको इंडस्ट्री अडॉप्शन के लिए भी 4 out of 5 मिलेगा। दूसरा है रस्ट। रस्ट भी पिछले कुछ सालों में बहुत पॉपुलर हो गया। देखो, रस्ट को डिजाइन किया गया था सिस्टम्स प्रोग्रामिंग के लिए। इसको बनाया गया है फास्ट, सेफ और कॉन्करेंट। सेफ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिस्टम्स प्रोग्रामिंग में जो भी लैंग्वेज यूज होती है उसको बहुत ज़्यादा सेफ होना पड़ता है। सी और सी प्लस प्लस में ये प्रॉब्लम थी कि उसके कई सारे अटैक वेक्टर्स खुले रहते थे। इसको बनाया गया कि नहीं, एज अ प्रोग्रामर तुम गलतियां नहीं कर पाओगे, काफ़ी सेफ लैंग्वेज है। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम भी होती है, ये उतना बिगिनर फ्रेंडली नहीं रह जाता, इसलिए मैं इसको बिगिनर फ्रेंडली में 3 out of 5 दे रहा हूँ। रस्ट की कम्युनिटी बहुत प्यारी है, बहुत सपोर्टिव है। बिगिनर फ्रेंडली नहीं होने के बाद भी अगर आप जाते हो तो आपको सिखाया जाता है। मैंने खुद रस्ट के 1-2 वर्कशॉप अटेंड किए थे, बहुत अच्छी कम्युनिटी है। तो कम्युनिटी के लिए मैं 5 out of 5 देता हूँ। इंडस्ट्री अडॉप्शन की बात करते हैं तो आज के टाइम में रस्ट पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बैट ले रही है। गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, ड्रॉपबॉक्स हो। ड्रॉपबॉक्स ने तो अपना पूरा का पूरा सिस्टम ही रस्ट में लिखा और काफ़ी सारा काम किया है रस्ट में उन्होंने। माइक्रोसॉफ्ट का भी रस्ट पे बड़ा बैट है। यही नहीं, नोड जेएस के जितने पैकेजेस हैं आज के टाइम पे, जो बिल्ड टूल्स हैं, वो सारे के सारे रस्ट में लिखे जा रहे हैं और उसके कारण वो सारे टूल्स और बिल्ड टाइम्स फास्ट हो रहे हैं। तो काफ़ी लोग रस्ट पे बैट ले रहे हैं, इसलिए इंडस्ट्री अडॉप्शन में मैं इसको देता हूँ 4 out of 5। पाइथन एक बहुत ही वर्साटाइल लैंग्वेज है यार, ऐसा आप कुछ नहीं है जो पाइथन में नहीं कर सकते। लेकिन आज के टाइम पे पाइथन सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है डेटा एनालिसिस में, मशीन लर्निंग में, एआई में, हर कोई यूज़ कर रहा है पाइथन की। एक और बहुत खास बात यह है कि वो बहुत बिगिनर फ्रेंडली है। अगर इसलिए मुझसे कोई पूछता है कि मुझे कुछ प्रोग्रामिंग नहीं आती और मैं जावास्क्रिप्ट नहीं सीखना चाहता, मुझे प्रोग्रामिंग बस प्रोग्रामिंग के लिए सीखनी है, तो मैं बोलता हूँ पाइथन सीख लो। पाइथन सीखना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली है। और पाइथन जो है, अगर आप उसको डेटा और एआई के साथ जोड़ दो तो बड़ी बड़ी कंपनीज में यूज़ हो रहा है। गूगल में हो, माइक्रोसॉफ्ट में हो, नासा में हो, हर जगह पाइथन यूज़ होता है। पाइथन को बैकएंड के लिए थोड़ा कम यूज़ किया जाता है। लोग बोलते हैं कि पाइथन में ये बना है, पाइथन में वो बना है, बट स्केलेबल बैकएंड सिस्टम्स पाइथन में कम है। लेकिन एआई में, एआई रिसर्च में, डेटा में पाइथन बहुत फोड़े हुए हैं और इसीलिए मैं इसको इंडस्ट्री अडॉप्शन में देता हूँ 5 out of 5। कम्युनिटी सपोर्ट भी बहुत अमेजिंग है, बच्चे से लेकर बड़े तक हर कोई पाइथन जानता है, सीखता है, समझता है, सिखा सकता है। बिगिनर फ्रेंडली होने के कारण आपके मिस्टेक्स कम होते हैं, इसलिए कम्युनिटी सपोर्ट में भी मैं इसको देता हूँ 5 out of 5। इसके पहले कि मैं बाकी के लैंग्वेजेस बताऊँ, तुम सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट में मुझे बताओ कि तुम कौन सा लैंग्वेज सीख रहे हो इन 6 में से, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, लेकिन लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब भी कर देना। अब आ गया है मेरा फेवरेट लैंग्वेज। सब जानते हैं कि मेरा बहुत बायस है जावास्क्रिप्ट के प्रति। क्यों है बायस? क्योंकि जावास्क्रिप्ट हर जगह चलता है, फ्रंट एंड में चलता है, बैक एंड में, नोड जेएस में चलता है, और कोई भी कंपनी हो अगर उसे आज के समय में वेबसाइट, वेब ऐप बनाना है तो उसे जावास्क्रिप्ट तो चाहिए ही चाहिए। जेएस डेवलपर्स की डिमांड थ्रू द रूफ है। यही नहीं, रिएक्ट नेटिव के कारण बहुत सारे मोबाइल ऐप्स भी जावास्क्रिप्ट में लिखे जा रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट की डिमांड तो बहुत अच्छी है, इसलिए जावास्क्रिप्ट को इंडस्ट्री अडॉप्शन में तो 5 out of 5। कम्युनिटी भी बहुत प्यारी है, इतने छोटे से लेके इतने बड़े तक हर कोई बहुत अच्छे से बात करता है, और अगर कम्युनिटी में कोई बदतमीजी करता है तो उसको बहुत गालियाँ पड़ती हैं। तो कम्युनिटी बहुत इंक्लूसिव है, बहुत प्यारी है, बहुत सपोर्टिव है, इसलिए कम्युनिटी में भी मैं 5 out of 5 देता हूँ। लेकिन बिगिनर फ्रेंडली उतना नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी पेचीदा चीज़ें होती हैं जावास्क्रिप्ट के, ऐसे क्वर्क्स होते हैं कि बिगिनर बेचारा परेशान हो जाता है कि अरे ये क्या हो गया इस लैंग्वेज में। तो आपको बहुत कुछ समझना पड़ता है जावास्क्रिप्ट में एज अ बिगिनर भी, इसलिए मैं जावास्क्रिप्ट को बिगिनर फ्रेंडलीनेस में 4 out of 5 देता हूँ। 5वें नंबर पर है कोटलिन।
कोटलिन बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि जावा जो था ना वो थोड़ा वर्बोज ज़्यादा था, ज़्यादा लिखना पड़ता था जावा को, तो कोटलिन उसको रिप्लेस करने के लिए उतरा है। सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो कोटलिन में इजीली फॉलो हो जाते हैं। इतना ही नहीं, आज के टाइम पे आप अपना एंड्रॉयड ऐप दोनों लैंग्वेज में एक साथ लिख सकते हो, कुछ स्क्रीन्स आप जावा में लिख सकते हो, कुछ स्क्रीन्स आप कोटलिन में लिख सकते हो, तो इंटरऑपरेबिलिटी बहुत अच्छी है। और कोटलिन में बैकएंड भी लोग बहुत लिख रहे हैं, काफ़ी अडॉप्शन बढ़ गया कोटलिन का एज अ बैकएंड लैंग्वेज। तो ओवरऑल जावास्क्रिप्ट प्रेमी जो थे वो सारे कोटलिन प्रेमी भी बनते जा रहे हैं, इसलिए इंडस्ट्री अडॉप्शन में मैं इसको देता हूँ 4 out of 5। रिलेटिवली न्यू है इसलिए मैं एक नंबर काट रहा हूँ इसका। इसके न्यू होने का एक और प्रॉब्लम है कि अभी बिगिनर फ्रेंडली बहुत सारे ट्यूटोरियल्स, बहुत सारे डेटा नहीं बनाए, तो बिगिनर फ्रेंडलीनेस में मैं इसकी एक पॉइंट उसके लिए काटता हूँ। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि ये स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है, उसमें समय लगता है। अगर आप नए नए हो, एकदम आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं की है, तो पाइथन या जावास्क्रिप्ट सीखना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है क्योंकि उसमें आपको डेटा टाइप का ध्यान रखना पड़ता है। कोटलिन में ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए मैं एक नंबर और काट रहा हूँ बिगिनर फ्रेंडलीनेस में। तो कोटलिन बिगिनर फ्रेंडलीनेस में मुझसे मिलता है उसे 3 out of 5 star। इंडस्ट्री अडॉप्शन में उसे मिलता है 4 out of 5 star क्योंकि वो नया है। पर कम्युनिटी बहुत प्यारी है कोटलिन की, छोटी है अभी, बहुत बड़ी कम्युनिटी नहीं बनी है, इसलिए मैं एक मार्क काट रहा हूँ उसका। कम्युनिटी सपोर्ट में कोटलिन को 4 out of 5 मिलता है। छठे नंबर पे स्विफ्ट। स्विफ्ट एक बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है और इससे आप मैक ओएस और iOS के ऐप बना सकते हैं। पहले आपको अगर iOS के ऐप लिखने होते थे तो आपको ऑब्जेक्टिव सी सीखना होता था। स्विफ्ट उसका एक मॉडर्न रूप है, उसका एक मॉडर्न अल्टरनेटिव है जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है आज के टाइम पे। एप्पल तो इसे यूज़ करता ही है, लिंक्डइन तो इसे यूज़ करता ही है, लेकिन आज के टाइम पे हर मोबाइल ऐप डेवलपर, हर डेस्कटॉप ऐप डेवलपर स्विफ्ट तो यूज़ करता ही है। पर स्विफ्ट भी कोटलिन की तरह स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है, इसलिए वो उतना बिगिनर फ्रेंडली नहीं है। यही नहीं, स्विफ्ट के साथ एक और समस्या है कि उसका लर्निंग कर्व थोड़ा स्टीप है, थोड़ा टाइम लगता है और बहुत कुछ समझना पड़ता है मास्टर करने के लिए स्विफ्ट को, इसलिए मैं इसको बिगिनर फ्रेंडलीनेस में 3 out of 5 दे रहा हूँ। कम्युनिटी भी इसकी अच्छी है, अच्छा खासा हेल्प मिल जाता है, लोग काफ़ी वेल बिहेव्ड हैं, पर उतनी बड़ी नहीं है जितना पाइथन या जावास्क्रिप्ट का है, इसलिए एक मार्क काट रहा हूं मैं और कम्युनिटी में इसे 4 out of 5 दे रहा हूं। लास्ट में आया इंडस्ट्री अडॉप्शन। देखो इंडस्ट्री में तो ये अडॉप्ट हो रहा है लेकिन स्लोली स्लोली, क्योंकि अभी तक बहुत लोग ऑब्जेक्टिव सी में लिख रहे हैं, बहुत लोग एप्स रिएक्ट नेटिव में लिखते हैं, इंडिया में इसका अडॉप्शन थोड़ा कम भी है, इसलिए मैं इसको इंडस्ट्री अडॉप्शन में 4 out of 5 दे रहा हूँ। जाने के पहले एक बात सुनते जाओ, तुम ये मत सोचना कि अब तो मुझे 6 के 6 लैंग्वेज सीखने, नहीं, तुम कोई भी एक लैंग्वेज उठाओ, जावास्क्रिप्ट, कोई भी एक लैंग्वेज उठाओ, अच्छे से सीखो, समझो, पहला जॉब लो, लेकिन जब तुम्हारी जॉब लग जाए उसके बाद तुम्हारे पास टाइम रहेगा वीकेंड पे, तो क्या लैंग्वेज उठाया जाए। मैं बहुत सालों से ट्राई कर रहा हूँ, रश थोड़ा थोड़ा सीखा है, गो थोड़ा थोड़ा सीखा है, थोड़ा कोटलिन भी सीखा है, तो इस तरह से आप थोड़े लैंग्वेजेस ट्राई कर सकते हो, बस देखने के लिए कि अरे इस लैंग्वेज में क्या पैराडाइम्स हैं, क्या डिज़ाइन है, क्या आर्किटेक्चर है। तो इन 6 में से 1 तुम्हारी जॉब लगाएगी और बाकी 5 तुम्हारा मन लगाएगी।